चलिए चैप्टर नाम लिखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, बेसिक चीजें। पहला टॉपिक डालिए इक्विलिब्रियम क्या है, वो अभी 5-10 मिनट के बाद आएगा। तो पहले लिखिए रिवर्सिबल रिएक्शन। एक था थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस, हम यहाँ रिएक्शंस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वहां प्रोसेस था कोई काम करने स्लो स्टेप, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लिखिए, इन विच प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होगा। और इसको केमिस्ट्री में हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए बी में गया तो फिर बी ए में आया। सुना सा लोग, हेलो एवरीवन। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। वेरी गुड। इट टेक्स रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए याद रखिए, इट टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। ये क्लोज्ड कंटेनर में होगा, इसलिए इस पूरे चैप्टर में क्लोज्ड वेसल का वर्ड बहुत आएगा, क्लोज्ड वेसल। तो इसलिए चैप्टर को समझने के लिए पहले समझिए रिवर्सिबल रिएक्शंस, इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, ये क्लोज्ड वेसल में होगा। मेरा साहब आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ में आ रहा है। रिएक्शन कभी इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात ही नहीं होगी, रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। ए लॉट ऑफ थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू। लिख लिया तो बताइएगा, आप सारे लोग बताइए नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे। उसके बाद कब है? सैटरडे। क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत रहता है, खासकर ऋषिक बंशल को। लिख लिया सारे लोग? नहीं सर, एक मिनट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन से पहले, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है। आगे बढ़ें। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, वेरी गुड। और इसी में रिवर्सिबल में ही आप, वो तो हम पढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम, इसी इक्विलिब्रियम जो होता है इसी में अटेंड होता है। और इक्विलिब्रियम अटेंड करने की कंडीशन है, जो अभी पढ़ेंगे 5-10 मिनट के बाद, के क्लो रिवर्सिबल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं जो हम समझेंगे कि ये रिवर्सिबल है। सबसे पहली बात कि क्लोज कंटेनर तो होना ही चाहिए, कि जैसे CaCO3 है, सॉलिड है, आप तो मालूम है हीट करते हैं तो CaO सॉलिड बनता है CO2। अगर आप इसको ओपन वेसल में कराएंगे तो गैस उड़ जाएगा, लेकिन यही रिएक्शन रिवर्सिबल होगा जब ये क्लोज कंटेनर में होगा, तो गैस नहीं जाएगा ऊपर, एस्केप आउट नहीं होगा। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस का रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है, लेकिन एक्सेप्ट, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है जो अभी पढ़ा आपने। हाँ, एक वीक, कोई एक वीक हो जाएगा तो वह फिर रिवर्सिबल हो जाएगा। और आयनिक इक्विलिब्रियम भी रिवर्सिबल है वहां, इसलिए पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम वीक एसिड और वीक बेस पर डिपेंड है। वहां नाम है आयनिक, आयनिक आयंस, H+, OH-, वो पूरा चैप्टर ही वीक एसिड वीक बेस पर है। इसलिए पहले जानिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। सुना? हेलो एवरीवन। ये इरिवर्सिबल है, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी गुड।
सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ही होता है रिवर्सिबल या उसमें नहीं होता है? अरे या अल्लाह, तुम कहां तुम इंग्लिश नहीं समझते, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रिवर्सिबल क्या कहा गया? न्यूट्रलाइजेशन रिवर्सिबल है एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी पढ़े हो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन था ना उसमें। हेलो, ये रिवर्सिबल नहीं है, कोई एक वीक हो जाएगा ना तो फिर वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ओके, यस सर, थैंक यू। आगे बढ़े लिखिए जल्दी। मेहराज बहुत लेट से लिखते हैं, अल्लाह मालूम तुम अपने हाथ की रैंडमनेस बढ़ाओ, वहां एम्स के नजदीक रहते हो। रैंडमनेस एंट्रोपी बढ़ाओ हाथ की। टॉपिक डालें इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या इसमें प्रोडक्ट कन्वर्टेड होगा? नो सर। बहुत अच्छे आयुषी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिस्पॉन्स। अब क्यों रिस्पॉन्स बहुत ये? अरे सांची को क्यों नहीं आ रहा? सांची, यस सर, आप तो कुछ बोलिए, क्या हो गया है? बुरा लग गया मेरी बातों का आपको? No, क्यों sir. नहीं बोलती हैं आप? बोलिए प्लीज, बोलिए आप। आप नहीं बोलती हैं, क्लास में मजा नहीं आता, कुछ भी बोलिए। यस नो, ये डॉट क्या है, ये सब पूछिए प्लीज। समझ में आया आपको? यहाँ तक आया? यस सर, आ गया। हाँ, वेरी गुड। इरिवर्सिबल ओपन कंटेनर में होगा, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कंप्लीट होगा। क्योंकि इसलिए लिखा देते हैं, ये सब इस चैप्टर में है कि आपको डाउट ना रहे। क्या इक्विलिब्रियम अटेंड होगा इसमें? नो सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, वेरी गुड। ये थोड़ा सा आपको बता दिया गया। अब आइए इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक और टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझनी है। इस चैप्टर को भी दो पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। पहला पार्ट तो स्टार्ट हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आयनिक। ये चैप्टर के बाद हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होगा ना तो हम दो दिन आपको ऑर्गेनिक, दो दिन फिजिकल पढ़ाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम दो दिन ऑर्गेनिक, दो दिन फिजिकल पढ़ाएंगे। सुना सारे लोग? हेलो, यस हाँ। केमिकल, चूंकि चैप्टर बड़ा है ना, थोड़ा केमिकल को खत्म कर लेते हैं। तो आयनिक को दो दिन ऑर्गेनिक। चलिए, लिख लिया सारे लोग? यस सर, यस सर। अच्छा, इस चैप्टर में एक सेंटेंस और आएगा, ऐसे ये सब पूछेगा नहीं इलेवेंथ में, लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए जानना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शंस की मीनिंग। क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेट की बातें होंगी, तो इसलिए मैं पहले समझा देता हूं कि आपको थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, आप जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है, तो देखिएगा, लिखिएगा नहीं, शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रहता है, रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट जीरो। आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी, ये कंज्यूम्ड होगा, अब प्रोडक्ट बढ़ेगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो, और आप जानते हैं, सारे लोग जानिए, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पर कमांड करना है तो यही दो स्टेप आना चाहिए जो आपको आगे सिखाया जाएगा। यही दो स्टेप आपको आना चाहिए कि ए गिव्स टू बी, तो आपको दो स्टेप आना चाहिए। इनिशियली ए जीरो, ए माइनस एक्स, यहाँ टू एक्स। ये जिसने लिखना सीख गया इस इक्विलिब्रियम में, आपको न्यूमेरिकल हो गया। ये दो स्टेप आना चाहिए। सुना एवरीवन? हेलो, यस सर। हाँ, टू बी टू सी, तो मान लीजिए इसका इनिशियल ए, इसका इनिशियल बी, इसका जीरो, इसका ए माइनस टू एक्स, बी माइनस थ्री एक्स, टू एक्स। जिसने ये लिख लिया, आए है उसको न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम की सब आ जाएंगी।
अरे कुछ तो बोलिए मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हाँ ये भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, अभी रुके सब्र करें। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज होती है, प्रोडक्ट की भी। चूंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का भी मतलब यही है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अभी आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। व्हाट डज मीन बाय द रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सुना? हेलो एवरीवन। यस सर। अरे एक ही को समझ में आया, कोई yes, बोल yes, सर। हाँ yes. हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसलिए बता दिया रेट की बात आ रही है ना इक्विलिब्रियम में, इसलिए पर यूनिट टाइम। बस ज्यादा पीएचडी नहीं करना इस पर, चूंकि आप आगे पढ़ेंगे ट्वेल्थ में रेट ऑफ रिएक्शंस। तो लिखिए आप, इट इज डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब ही होता है चेन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी। और याद रखिए इस पूरे चैप्टर में ये ब्रैकेट लिखा जाएगा तो आप कंसंट्रेशन मोल पर लीटर समझेंगे, मोलारिटी। इस ब्रैकेट का मतलब मोल पर लीटर, ऐसे मोलारिटी नहीं कहते हैं, इसको एक्टिव मास कहते हैं, लेकिन यूनिट तो सेम है मोलारिटी से। खैर B concentration को represent कर रहा है यहाँ पे, या फिर B जो हमने product लिया है? ये है ना product है, product की concentration। आप reactant की भी लिख सकते हैं, change in concentration per unit time। यहाँ है ना definition, इसी का सर। सर same आता है दोनों में सर? Obviously concentration अलग अलग होगा, rate बराबर होगा, value same आएगी। अरे बोलिए, change in concentration per unit time? Yes sir। Change in concentration product दोनों same value आएगा। हाँ, concentration हो सकता है अलग अलग हो, ratio same आएगा। ओके चूंकि रिएक्शन की रेट है ना, वो तो निकालने का तरीका है कि किसी एक का भी निकाल लो रेट का पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही है तो जीरो हो जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। हाँ सर। अब आइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या है। तो सुनिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजें पहले समझिए। पहला कि रिवर्सिबल होना चाहिए, दूसरा क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। तो खुद सोचिए, ए बी में जा रहा है, बी ए में जा रहा है। एक स्टेट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव। प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले थ्योरेटिकली डिफिनेशन समझें कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का एक स्टेट है At which rate of forward is equal to rate of backward. उसके लिए दो मिनिमम conditions हैं। Number one, reaction must be reversible. A reaction should be takes place in closed container. तीसरा, rate of forward is equal to, इस line को जितनी दफा पढ़ें, मैं graph भी 6 graph बनाऊंगा, graphical से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली condition reversible होना चाहिए, दूसरा क्लोज कंटेनर होना चाहिए, तीसरा कि जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड, जैसे रेट बोला जाए माइंड में आना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट बराबर होना चाहिए दोनों, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। दूसरी बात, प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम हो रहा है, कैसे पता चले कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड? तो ध्यान दीजिए, अरे सुन रहे हैं ना महराज और ये क्या नाम है? यस सर सुन रहे हैं। मान लो ये रिएक्शन है, शुरू में मान लो कि ये 10 मोल रहा होगा, मान लेते हैं तो ये 0 रहा होगा। तो देखा ये गया कि 30 मिनट के बाद
ये बच गया सेवन, तो ये कितना बना होगा? थ्री, बोलो हाँ या ना। हेलो, यस सर, यस सर। देखो तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा, देखते रहना। फिर देखा गया 40 मिनट के बाद, ये सेवन का सेवन ही है और ये थ्री का थ्री है। हो माय गॉड, रिएक्शन चल रहा है। फिर 50 सेकंड के मिनट के बाद देखा सेवन का सेवन है, तो ये इक्विलिब्रियम की पहचान है। जैसे कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, देखिए यहां पर कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ये सेवन है तो सेवन ही मेंटेन रहेगा, ये थ्री है तो थ्री ही मेंटेन रहेगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, यस। उसमें एक मैं और नॉलेज वाली, इसको कहते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। कैसे मेजर करेंगे इक्विलिब्रियम में? तो मेजरेबल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या आएगा, कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, मोल्स, कलर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सर टेम्परेचर, टेम्परेचर तो भाई कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट ही पढ़ना होता है। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है इसमें? नो रिलेशन। हाँ, ये अभी थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा, कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर ही पर होता है। ये 25 या 30 पर ही मेंटेन होगा, हम टेम्परेचर क्यों चेंज करेंगे? टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीटर चेंज हो जाएगी। हाय हाय, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना बाबू, ये टेम्परेचर की बात ही नहीं है ना। हेलो, आप रिएक्शन का टेम्परेचर मेजर करेंगे? नो 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 नो। मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है? कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, मास, मोल, कलर। अगर मान लो इस वाले रिएक्टेंट का कलर ब्लू है इक्विलिब्रियम पर, तो ब्लू ही रहेगा ये। तो हमें प्रैक्टिकली कैसे पता चले कि ये इक्विलिब्रियम है? अरे रिएक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते ना, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन जीरो। आप मोशन में है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो है, चूंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहां तक तो वेलोसिटी कंसंट्रेशन चेंज हुई, एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, लेकिन उसके बाद बिहारी यूनिफॉर्म मोशन से आ रहा है। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, यस सर, यस। इक्विलिब्रियम आप ग्राफ भी बताएंगे तो कोई भी पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोज कंटेनर, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, मास, मोल, कलर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। A lot of thanks. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए मेरे साथ लिखे एक स्टार पॉइंट डालकर। मैं छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में भी लिखाऊंगा, पहले लिखिए इसको जल्दी से। सर, हाँ बोलिए ऋषि जी। सर इक्विलिब्रियम में जैसे सर हमने अभी उसमें वाला सेवन और थ्री वाला किया, उसमें तो सर रेट जीरो हो गया क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, इक्विलिब्रियम के बाद रेट चेंज नहीं होगा, या सही कह रहे हैं। तो सर जीरो जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सो द आर नेट इज इक्वल टू जीरो।
ओके सर. या या ओके शुरू शुरू में रेट चेंज कर रही होगी, चेंज कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्ट में जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों की रेट बराबर. तो उसी को पहचानने का क्या तरीका है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करेगा. बोलिए ना हेलो या तो इक्विलिब्रियम पर नेट रेट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. समझ में बात आ रही है? Yes sir. Thank you. ये हिबा नाम की स्टूडेंट को कुछ आ रहा है? हिबा नाम की स्टूडेंट को जामिया नगर की टॉपर है ये. हेलो हिबा, आ रहा है कुछ आ रहा है आपको? यस सर. अरे माशाल्लाह, आपको आ रहा है तो सबको आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को आ जाएगा. थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स. लिख लिया सारे लोग? यस यस. अब मैं छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में कि आपको डिफिनेशन ना याद रहे तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मेरे साथ साथ लिखते रहिए. पहला बताइए, रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल. बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू. अरे सांची सूरत बोले, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर बोले जल्दी. आ रहा है समझ में? हाँ बोला करें. या रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल. रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर. पूरा न्यूमेरिकल इसी में है. फोर मोल ऑफ द PCl5 इज टेकन इन 10 लीटर ऑफ द क्लोज वेसल एट इक्विलिब्रियम. 20% PCl5 इज डिसोसिएटेड. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कौन. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे. पूरा रिएक्शन है. तीसरा, RF इज इक्वल टू R बैकवर्ड. चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे लैंग्वेज में आपको आना चाहिए. आगे सर लिखना है सर, दो मिनट. हाँ नहीं, लिखिए आराम से लिखिए साइंटिस्ट. एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ेगी ना आपकी, दवा खाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगी, कोई बात नहीं है. रोशनी सिन्हा आ रहा समझ में? बोलना क्यों बंद कर दी है? ए अल्लाह, क्यों नहीं बोलती है भाई? यस सर, हो गया, हो गया, थैंक यू. चौथा बात लिखिए. और ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ऑल मिजरेबल प्रॉपर्टीज. लाइक कंसंट्रेशन. जब भी कंसंट्रेशन की बात हो तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे. अरे कुछ तो बोलिए. हेलो एवरीवन. यस सर. वेरी गुड. मास, ये सब मिजरेबल प्रॉपर्टीज. आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कर सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ कलर दे देगा ऑब्जेक्टिव में. हाँ, डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, यही प्रैक्टिकली देखने का तरीका. ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम. आगे का लाइन इंपॉर्टेंट. Do not change with time, remains constant. Uniform motion अब बन रहा है. Equilibrium से पहले accelerated बिहारी था, उसके बाद uniform हो गया. Do not change with time. आगे का line, when equilibrium achieved, when equilibrium attained. बताओ आया समझ में? Hello everyone. Yes sir. सर volume के बाद क्या लिखा आपने? Mass, 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 mole, intensity of color, density of reactant product do not change with time.
सर लिख लिया A lot of thanks. अब देखिए टॉपिक डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हम इसको दो केस में बांटेंगे. पहला केस मैं ग्राफ से समझाऊंगा. क्विज रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ. और अभी रुक जाइएगा दो मिनट. अब मैं इसमें तीन ग्राफ, ये ग्राफ भी है क्वेश्चन भी है. मैं तीन ग्राफ बनाऊंगा और आपको बताना है कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम पर है. रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम. एक ग्राफ ये है, माली एक ऑप्शन में ये दिया हो, और यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड. क्योंकि जीरो से प्रोडक्ट शुरू होता है और रिएक्टेंट ऊपर से शुरू हुआ क्योंकि वो मैक्सिमम होता है इनिशियली. एक ग्राफ आपसे ये कह रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम है, हो सकता है एग्जामिनर इस तरह का भी ग्राफ दे. हर पॉसिबिलिटीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं. तो आप बताइए तीन ग्राफ आपके सामने हैं. ये ए भी आपके आंखों के सामने है, हाँ या ना, जल्दी बताइए. यस सर. तो बताइए ए बी और ये सी, क्या तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम पर है कि कोई एक ग्राफ इक्विलिब्रियम पर है? सर एक ग्राफ. कौन एबीसी में विच ग्राफ रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम? सर ए. सर ए. व्हाई व्हाई? सर रेट ऑफ फाइनल फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैक. दिस इज करेक्ट आंसर. दिस ऑप्शन इज सही. बी और सी इक्विलिब्रियम पर नहीं है क्योंकि रेट ऊपर. देखो इक्विलिब्रियम पर दोनों ऊपर नीचे ग्राफ है. अरे बोलिए ना. हेलो. यस सर. अब दूसरा ग्राफ भी केस सेकंड वाला ड्रॉ करेंगे. हम हर पॉसिबिलिटी से पूछ लेंगे. दिस ग्राफ बना लीजिए जल्दी से. आप बनाइए तीनों प्लीज. दिस ग्राफ नोट्स में सारी पॉसिबिलिटी. दिस ग्राफ रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम. निकल आई ये स्लाइड? नहीं सर, एक मिनट. यस सर, हो गया.
जल्दी से बनाइए। Done, sir. For 2 minutes, sir. Our previous slide. Yes, sir. Ho gaya. Sir, ho gaya. ग्राफ मेरे साथ बनाइए। एक मिनट। मेरे साथ साथ बनाइए प्लीज। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सर। सी वाले में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन कौन से? हाँ ये है, ऊपर वाला हमेशा रिएक्टेंट होगा, ये वो मैक्सिमम होता है ना, ये शुरू में जीरो रहता है। ओके सर। अब बताना है कौन ग्राफ इक्विलिब्रियम पर है? सर बी वाला। वेरी गुड। और लोग बताएं। सर इसमें भी ए ही है। कौन? ए। ए ग्राफ है। अच्छा चलिए, कंसंट्रेशन के बारे में क्या पढ़ा आपने, मेरी बात गौर से सुनिएगा सारे लोग, कि जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का चेंज नहीं होगा। पता है, बताइए ए ग्राफ में क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, जल्दी बताइए। नो सर। नो। बी में ग्राफ में बताइए क्या इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जहां पर मेंटेन है, लगातार मेंटेन है, प्रोडक्ट की भी मेंटेन है, हाँ या ना? यस सर। कंसंट्रेशन सी में देखिए इक्विलिब्रियम के बाद एकदम इंडिपेंडेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन है,
चेंज नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। देख लीजिए, हाँ यहाँ था रेट का बराबर होना, यहाँ तो इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर ही नहीं, ऊपर नीचे है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव्ड। इक्विलिब्रियम अचीव्ड हुआ, चेंज नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम अचीव्ड हुआ, चेंज नहीं। रिएक्टेंट का जहां पर मेंटेन है वहीं पर मेंटेन है, प्रोडक्ट का जहां पर है सब कुछ सारे ग्राफ में वही है, इसलिए ऑल है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। रेट ऑफ रिएक्शन वाला मामला अलग है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए कि डू नॉट चेंज विद टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव। बताइए सबको समझ में आया? रोशनी, एस स्क्वायर, मेहराज, सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज इतना ही, इतना पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। स्लोप जीरो कह सकते हैं हम इसके लिए? हम स्लोप की बात क्यों करें, हम क्यों करेंगे स्लोप? मैथ पढ़ रहे हैं क्या? क्यों आप इतना ये करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज को बनाते हैं? हमें आम है, आम पर पीएचडी कीजिए, इमली को मत लाइए ना। अब केमिस्ट्री पढ़ रहा है, हम स्लोप जान के क्या करेंगे? पूछा गया जी एडवांस में, पूछा गया क्या? हम क्यों जानेंगे? क्यों हम फालतू की बातों को दिमाग में रखेंगे? जो इक्विलिब्रियम है उसी पर रिसर्च करें। ये छह ग्राफ सबको समझ में आया या नहीं ये पहले बताएं। यस सर, क्लियर है। हाँ, जब पैरेलल होता है तो आप सब जानते हैं स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ स्लोप की बात होगी नहीं, अपना दिमाग उस पर मत लाइए। चलिए ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।